क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। थोड़े समय के बाद कीटाणु तो कहीं पर भी आ सकते हैं ना। अब चाहे साबुन हो या कुछ भी, इस घर के लोगों को साफ सफाई वाली बातें समझ क्यों नहीं आती हैं? रेनू, वो कोने में देखो कितना गंदा पड़ा है, साफ करो उसे दोबारा। अरे अम्मा जी, ये क्या किया आपने? ये सैनिटाइजर लीजिए, जाइए सब सामान ना पोंछ पाछ के अच्छे से आइए। मैं तुमको ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। ये रहे हमारे खानदानी कंगन जो आज से तुम्हारे हुए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। बस कर निधि, सारी सेवा आज ही कर देगी क्या? अब तो तुझे वैसे भी इस घर में बहू बनकर आना है, फिर करती रहना सेवा। मालकिन, प्रतीक भैया की शादी निधि दीदी से हो रही है क्या? हाँ, तुझे पसंद है निधि? ये तो आपको प्रतीक भैया से पूछना पड़ेगा, मुझे तो दीदी पसंद है। देखा, अब तो रेनू ने भी हाँ कर दी, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रतीक को भी इस रिश्ते से बड़ी खुशी होगी। चाची, 3 साल पहले जब मम्मी डैडी एक्सीडेंट में गुजर गए थे ना, तब से लेके आज तक आप ही ने मुझे संभाला है, अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दिया है मुझे। और सच पूछिए तो मुझे भी ये घर अपने जैसा लगा, कभी महसूस ही नहीं होने दिया आपने कि मैं एक पड़ोसी हूँ। इसलिए तो तुझे हमेशा के लिए अपने घर में बहू बनाकर ला रही हूँ। तुझे इस घर में मैं बहू बनाकर नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। ये आपकी बहू गोपी है। ये मेरी बहू नहीं हो सकती। माँ, बात कुछ ऐसी है कि इसकी बस। माँ, मेरी बात सुनो। कौन है प्रतीक? मैं तुमसे माँ सुनो, कौन जी है प्रतीक? मेरी आंखों के सामने उसकी शादी दहेज की वजह से टूट गई। घर वालों का रो के बुरा हाल था। जहाँ बैंड बाजा का माहौल था वहाँ मातम छा गया। माँ, स्नेह आ गया। माँ, तो मैं इसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मैं नहीं मानती शादी को। अब क्या फायदा बोलने का, अब आपकी बहू है वो, गृह प्रवेश करो उसका। जब तुमने शादी अपनी मर्जी से कर ली है तो गृह प्रवेश भी खुद ही कर लो। चलो कोई बात नहीं, चाची नाराज है पर मैं भी तो इस घर की मेंबर जैसी हूँ ना। मैं करती हूँ आप लोगों का गृह प्रवेश। रेनू, ये चादर और तकिए के लिहाफ ना साफ नहीं लग रहे हैं, गंदा सा लग रहा है। साफ है बहू जी, आज सुबह ये धोए हैं। हो सकता है रेनू जी ये सही से साफ ना हुए हों। आपसे निवेदन है, इन्हें बदल दीजिए ना। पीछे जी बाबूजी, ये अलमारी में सामान साफ है कि गंदा? सब साफ है बाबूजी। अलमारी में कोई गंदा सामान रखता है क्या? आप रहने दो रेनू जी, हम ना अपनी चादर निकाल लेते हैं। पर आपसे निवेदन है कि आप ये चादर और ये तकिए का लिहाफ धुलने के लिए डाल दीजिए, और हाँ, ये अलमारी भी साफ कर दीजिएगा। ये अलमारी? ना बाबा ना, ये प्रतीक भैया की अलमारी है और इसमें जरूरी सामान है। अगर जरा सा इधर से उधर हुआ ना, वो बहुत गुस्सा होंगे। ठीक है, फिर हम ही कुछ करते हैं। गोपी ने मेरी जगह ली है, इससे मैं प्रतीक को छीन लिया। और अगर मैंने भी उसे तुमसे दूर नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी निधि नहीं है। वो तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारी बीवी का गृह प्रवेश करवाया था। तुमने बीवी नहीं, मेरा दुश्मन लाया है। गोपी, क्या कर रहे हो? प्रतीक जी, कुछ नहीं, बस अलमारी का सामान देख रहे थे। बड़ी लापरवाही से रखा हुआ है आपने। थकी हुई आई हो, थोड़ा आराम कर लो। कहाँ पड़ी हो? अलमारी के पीछे। मुझे पता है तुम्हें माँ की बातों का बुरा लगा होगा, पर उनकी बातों को दिल पे मत लेना। वो अचानक से बिना बताए शादी कर ली तो नाराज हो गई होंगी, पर मुझे पता है वो मान जाएंगी। तुम्हें अपनी बहू जरूर मानेंगी। रेनू, क्या बात है गोपी जी, सुबह सुबह? अरे प्रतीक जी, अभी रेनू से पूछा लो भाई, सब गंदा हो जाएगा। किनारे से आइए आप, आइए आइए, किनारे से आ जाइए। रेनू सफाई कितना गंदा है रेनू, सब धूल लग रही है हाथ में, कैसे किया है? ये देखो, इसमें भी दाग है। रेनू अच्छे से सफाई किया करो, गंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। गोपी, गोपी, कहाँ हो गोपी? दीदी सफाई कर रहे हैं ना। तुम वहाँ क्या कर रही हो सफाई? अरे बहुत गंदा हो गया था ना। अरे पर क्यों? घर तो साफ ही रहता है हमारा। चलो। अरे नहीं नहीं प्रतीक जी, अभी नहीं। देखिए ना, सफाई करते करते हम ऊपर से नीचे तक कितना गंदे हो गए। कहाँ गंदी हो गई हो? सफाई करते करते एकदम साफ हो। चलो इधर। अरे नहीं नहीं प्रतीक जी, पहले ना हमें अच्छे से सफाई कर लेने दीजिए। और आप यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए आप किनारे। हम ना अच्छे से सफाई करके नहा धो लेंगे ना, फिर उसके बाद आपसे आराम से बैठ के बातें करेंगे। अम्मा जी, अम्मा जी, आप पैर धोकर पूजा में नहीं बैठी हैं क्या? साफ नहीं दिख रहे हैं तो पूजा घर भी थोड़ा गंदा सा लग रहा है। बहू, तुम्हारे मायके वालों के पैरों में क्या सुरखाब लगा होता है? या वो स्वर्ग में रहते हैं जहाँ फूल बिछे रहते हैं फर्श पर? अम्मा जी, तुम तो अच्छी बात कर रहे थे, शायद आपको बुरा लग गया। अपनी अच्छी बातें ना अपने पास रखो, मेरे मामले में ना दखल देने की जरूरत नहीं। और सुन, ये चाय भी उठा कर ले जा, मुझे नहीं पीनी। ये चाय तो आपकी है, आपके बेटे की कमाई की है, और हमारा काम है इस घर में रहने वाले लोगों की सेवा करना। अभी तक सो रहे हैं? प्रतीक जी, प्रतीक जी, सुबह हो गई, उठ जाइए। उठ जाइए, सुबह हो गई। गोपी, तुम्हारी आवाज बड़ी स्वीट है यार। बैठो। नहीं नहीं नहीं, अभी ना पहले ब्रश करके आइए आप। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि सबसे पहले मैं सुबह की चाय पीता, फिर मैं बिस्तर छोड़ता हूँ। अच्छा जी, पर आज से आपके ना ये तौर तरीके बंद। अरे घर की कमान ना हमने संभाल ली है, तो चाय आपको ब्रश करने के बाद ही मिलेगी। मतलब मैं रूटीन चेंज कर दूं? नहीं नहीं गोपी, ये जबरदस्ती है। अरे कभी कभी अच्छा काम कराने के लिए ना जबरदस्ती करनी पड़ती है, समझे आप? और आप जल्दी जाइए ब्रश करिए, वरना आपकी ना एक चाय छूट जाएगी, फिर हमसे मत कहिएगा। गोपी नहीं, चाय। उठिए वरना ना आपके नाश्ते का समय भी निकल जाएगा। अरे चाची ऐसे क्यों बैठी हैं? क्या हुआ? सर दुख रहा है? हाँ बेटा लाइए मैं दबा देती हूँ। अरे रहने दे बेटा, जब घर में अपनी पसंद के लोग ना हो ना तो सर में दर्द ही होगा। सुबह से अब तक एक कप चाय नहीं मिली मुझे। हे भगवान, सुबह से आप बिना चाय के? रुकिए मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। दीदी जी कहाँ जा रही है? चाची के लिए चाय बनाने। ऐसे नहीं जा सकती आप। क्यों? निधि जी हमने रेनू के साथ ना पूरा रसोई घर वॉशिंग पाउडर से और पूरा फ्लोर क्लीनर से 1 घंटे तक रगड़ रगड़ कर साफ किया है, और आप है कि ये जूते चप्पल पहनकर रसोई में घुसी जा रही हैं। पता नहीं आप ये कहाँ पहन कर गई होंगी, कहाँ से कीटाणु लाई होंगी। अब अरे गोपी। अम्मा जी हम बात कर रहे हैं ना, अब पता नहीं कहाँ पहनकर गई होंगी आप ये चप्पलें, और सारे कीटाणु लेकर आ गई हैं। चप्पल तो तुमने भी पहनी है, तो क्या जब जब तुम किचन में जाओगी इसे उतारोगी? ये देखिए जरा, ये हमारी चप्पलें ना घर की हैं, इनको पहनकर हम बाहर नहीं जाते हैं। और आपको पता है हमारे स्नान घर की चप्पलें, रसोई घर की चप्पलें, बाहर की चप्पलें, घर की चप्पलें सब अलग हैं। देखो मुझे आज तक किसी ने इस घर में कहीं आने जाने से नहीं रोका, और तुम्हें पता है तुम तो इस घर में कोइंसिडेंटली बहू बनकर आ गई हो, वरना चाची ने मेरी और प्रतीक की शादी कराने का वादा किया था मुझसे। ओ, तो ऐसी बात है। पर क्या है ना निधि जी कि आप बहू बनने वाली थी पर बनी नहीं। इस घर की बहू अब हम हैं, जैसा चाहेंगे ना वैसा होगा। देखो मुझे चाची के लिए चाय बनानी ही है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। निधि जी हाँ छोड़ो मेरा, अरे छोड़ो मेरा हाथ। अम्मा जी आपको ऐसी बहू चाहिए थी जो जूते चप्पल पहनकर रसोई घर में घुस जाए। क्यों क्या हुआ? मेरे पड़ोस में रहती है। अम्मा जी ये पड़ोस में रहती हो या सौ को झूठ, लेकिन हमारे रसोई घर में ना जूते चप्पल पहनकर कोई नहीं जाएगा। ये चप्पलें पहनकर हॉल तक आ गई, यही बहुत है। आपको पता है पूरे रसोई घर की दोबारा सफाई करनी पड़ेगी हमें। चाची आपकी बहू ने आते ही मुझे पराया कर दिया। आज मेरा हाथ खींचकर मुझे हॉल तक लेकर आई है, कल मुझे इस घर के बाहर भी निकाल देगी। तू कहीं नहीं जाएगी, इसकी मर्जी चलेगी क्या यहाँ पर? मैं प्रतीक को सब कुछ बताती हूँ। अब आएगा मजा। प्रतीक, प्रतीक, तू हमें इस घर में जीने देगा कि नहीं जीने देगा? कैसी बात कर रहे हो मैम, मैंने क्या किया? तेरी गोपी अपना रंग दिखाने लगी है, मेरे साथ जुबान लड़ाने लगी है, और अभी अभी उसने निधि की इतनी बेइज्जती की है। यही होता है अनजान लड़की को बहू बनाकर लाने का नतीजा। अब क्या करें, इस घर को छोड़ दे, कहीं चले जाएं हम। क्यों छोड़ेगा कोई घर को माँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? गोपी थोड़ी ज्यादा सफाई पसंद है, पर धीरे धीरे करके घर के हिसाब से ढल जाएगी। दिल की बहुत अच्छी है वो। हाँ कुछ ज्यादा ही सफाई पसंद है, लेकिन क्या सफाई के लिए किसी की भी बेइज्जती करना ठीक है? हाँ जी अम्मा जी बिल्कुल ठीक है, और हम तो कहते हैं गंदगी को जितना दूर रखा जाए ना वही ठीक है। और प्रतीक जी आप हमारी बात ना ध्यान से सुन लीजिए। ऑफिस से आने के बाद अपने जूते चप्पल उतार के हॉल के कोने में रख दिया करिए। और आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं अम्मा जी, 2 जोड़ी चप्पल अपने लिए, 2 जोड़ी अपने लड़के के लिए और 2 जोड़ी मेहमान के लिए ले आइए बाजार जाकर। और हाँ, अपनी वो लाडली निधि को ना इस घर के नए तौर तरीके बता दीजिएगा। अरे हमारा रेनू का घर साफ करते करते पूरा दिन में दम निकल जाता है और हमारा घर कोई ऐसे गंदा करके चला जाए ना, बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, बताए दे रहे हैं। देखा देखा कैसे कैसे जुबान चला रही है ये। और मैं बाजार नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। माँ 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 आप ही बोला करते हो ना कि कोई भी नई बहू ससुराल जब आती है तो उसको वक्त लगता है ढलने में, थोड़ा वक्त लगेगा पर अगर उसकी खुशी के लिए 2-4 जोड़े जूते चप्पल लाने हैं तो ले आते हैं ना। अरे प्रतीक जी देखिए ना कितनी धूल है, सब सर में भर जाएगी हमारे। अरे ये क्या कर रही हो गोपी बहू? अम्मा जी धूल है, सब सर में भर जाएगी, आइए। अरे ये औरत थैला क्यों पहना है रे? लगता है किसी नए ग्रह से उतर के आई। देखो लोग हंस रहे हैं हम पर। क्या हो गया अम्मा जी, हम पर हंस रहे हैं ना और हमें तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है। अरे हम अपना सर गंदगी से बचाएं कि इनकी बातें सुने। गोपी तुम सच में जाओगी थैला पहन के मंदिर में? तो क्या हो गया प्रतीक जी, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। देखिए ना कितनी धूल उड़ रही है, सब हमारे सर में भर जाएगी, सब गंदा हो जाएगा। और वैसे भी भगवान जी कोई दर्शन देने से थोड़ी मना कर देंगे अगर थैला पहन लिया तो। क्या हो गया, चलिए ना। ये क्या कर रही? चप्पल रख रही हूँ। और क्या प्रतीक जी, अजीब हरकत है तुम्हारी, जो कोई नहीं करता वो सारी चीजें तुम करती हो। लोगों को गंदगी में जीने की आदत है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो गंदगी को गले नहीं लगा सकते ना। चलिए दर्शन करिए। अरे चलिए ना, आइए। हाँ नहीं पंडित जी, आपने अपने हाथ तो सही से साफ किए है ना। क्या है पंडित जी, कीटाणु तो कभी भी कहीं पर भी आ सकते हैं। अब तुम पंडित जी को भी बोलने लग गई? तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें यह भी नहीं सिखाया कि कब कहाँ क्या बोलना है। अगर तुम मेरी बेटी होती ना तो मैं 1 मिनट में तुम्हारा दिमाग सेंटर में लगा देती। अम्मा जी हमने ऐसा भी क्या कह दिया जो आप हमें इतना जलील कर रही हैं? अरे साफ सफाई की तो बात करी है हमने। प्रतीक जी देखिए हम ना इतना सब नहीं सुन सकते हैं, जब देखो तब। हम गाड़ी के पास जा रहे हैं, खड़े इंतजार करें। आप माँ बेटे को जो करना है ना करके आ जाइएगा। गोपी, गोपी। थोड़े समय के बाद कीटाणु तो कहीं पर भी आ सकते हैं ना, अब चाहे साबुन हो या कुछ भी। इस घर के लोगों को साफ सफाई वाली बातें समझ क्यों नहीं आती हैं? अरे रेणु इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? हाँ, कब से खड़े हो, डोर बेल बजाए जा रही हो। अरे मालकिन आपकी बहू 1 घंटे से बाथरूम के अंदर है, मुझे ढेर सारा गट्ठर कपड़ों का धोने के लिए दे दिया। अब आप बताइए मैं क्या करूं? देखती महारानी बाथरूम में 1 घंटे से क्या कर रही है। तू चल मेरे साथ। मैं तो प्रतीक से कहूंगी कि एक गाड़ी ले ले और उसमें ड्राइवर रख दे, फिर जहां मेरा जी चाहे मैं वहां जाऊं। अरे अम्मा जी ये क्या किया आपने, जल्दी हटाइए सामान, हटाइए अम्मा जी ये सामान हटाइए। पर क्यों? अरे अम्मा जी आपके बाजार जाने के बाद ना हमने पूरा घर सोफे कुर्सी सब रगड़ रगड़ के साथ किए हैं और आपने कि सारा सामान बिना धोए पुछे लाके बस सोफे पे रख दिया। हटाइए, जल्दी हटाइए। मैं तो ऐसे करती हूँ। और ये तो नया सामान है, नई चप्पल और कुछ जरूरत का सामान। हाँ? अरे अम्मा जी, आपको पता है कितने ग्राहकों ने ये चप्पल माप के देखी होगी और दुकानदार ने क्या किया होगा, बस डिब्बे में पैक किया, रख दिया। क्या अच्छी बातें कर रही हो तुम, कब से मैं बाहर डोर दाल बजा रही हूँ। अम्मा जी, हम ना नहा रहे थे। हम आपके लड़के की तरह नहीं है जो चिड़ैया स्नान कर ले, आराम से साफ सुथरे होके नहाते हैं। ऐसा करिए, ये लीजिए, ये सैनिटाइजर लीजिए, जाइए सब सामान ना पोंछ पाछ के अच्छे से आइए। अरे बहुत तुम कुछ अजीब हो गया। अरे कीटाणु हो जाएंगे इसलिए कह रहे हैं, उठाइए ना अम्मा जी, उठाइए सामान, उठाइए अम्मा जी, चलिए आइए आइए। और सुनिए, ये डब्बे अब्बे ना वहीं कूड़ेदान में फेंक दीजिएगा। तुमसे कौन माथा मारे। उठाइए वो वाला झूला भी उठाइए। अरे जाइए ना अम्मा जी, सब गंदा कर दिया आपने, जाइए जल्दी। देखो तुम मेरा ना दिमाग खराब मत करो। अरे अम्मा जी, दोबारा से सब साफ सफाई करनी पड़ेगी, पूरा हाल साफ करना पड़ेगा। तुमसे माथा मारने से तो अच्छा मैं चली जाऊं। अरे साफ सफाई कर कर फिर आ जाइएगा। अब दोबारा से पूरा हाल साफ करना पड़ेगा, हमें काम बढ़ा दिया हमारा। ये क्या है गोपी? आप ऐसा करिए, आप अपने कपड़े और जूते मुझे उतार कर ना वहाँ पर रख दीजिए और तौलिया लेकर सीधा स्नान घर में जाइए और अच्छे से साबुन से नहा कर आइए। सुबह तो नहाया था गोपी, और कपड़े तो साफ ही आज ही पहने, हाथ पैर धो लेता हूँ। नहीं नहीं, देखिए अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे ना तो हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। अरे पता नहीं सुबह से कहाँ से कीटाणु लेकर आए होंगे आप। हद होती है सफाई की गोपी, साफ चीज भी तुम्हें गंदी दिख रही है। अब आपको नहीं दिखाई देता है तो उसमें हमारा क्या दोष है। अब ये बातें ना बाद में होती रहेंगी, और पहले जाइए स्नान करके आइए। लो पकड़ो। अरे दूर बता रहे कीटाणु होते हैं, आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप बस कपड़े उतारिए और नहाइए जाके। हद होती है यार। आ रहे हैं। साफ सफाई की आदत हमेशा से अच्छी मानी गई है, इससे शरीर और मन स्वस्थ बना रहता है, आसपास का माहौल भी खुशनुमा रहता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी आदत हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो परेशानी का सबब बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। देखा आपने, कुछ दिन पहले बहू बनकर आई गोपी की बेहिसाब सफाई की आदतों ने उसके ससुराल वालों को बुरी तरह परेशान करके रख दिया था। सफाई के नाम पर उसकी अजीबोगरीब हरकतों ने उसके पति, उसकी सास को कई बार लोगों के सामने शर्मिंदा किया, और गोपी है कि अपनी इन आदतों को नाकार रही थी। यहां तक कि परिवार का कोई भी सदस्य उसे उसकी आदतों के लिए अगर टोकता तो गोपी का गुस्सा फूट जाता। कहाँ एक नई नवेली दुल्हन अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से पूरे परिवार में खुशहाली भर देती है, मगर एक सुलझी हुई और समझदार लड़की होने के बावजूद भी गोपी ने अपनी एक नासमझ हरकत की वजह से अपने पति, अपनी सास को नाखुश करके रखा। अब देखना यह है कि क्या आगे चलकर उसकी ये बेहिसाब सफाई की आदत बदलेगी, या फिर उसकी जिद के चलते उसके ससुराल वाले उसे बर्दाश्त करके खामोश रहेंगे। आइए देखते हैं आखिर क्या होगा सफाई की लत का अंजाम। प्रतीक, अरे दूल्हे राजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुना तुमने चुपके चुपके शादी कर ली। क्या की शादी है यार? शादी मतलब यार करिए ना। मैं तो यहाँ था नहीं, मुझे तो ऑफिस वालों ने बताया तूने ना किसको बारात में बुलाया, ना पार्टी में, ना कोई मिठाई। यार जिंदगी कड़वी हो गई यार शादी कर। ऐसा भी क्या हो गया यार? शादी कैसे हुई है मैं बाद में बताऊंगा आराम से, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बीवी हद से ज्यादा साफ सफाई करती है, साफ चीज को साफ करती है। भाभी को ना वो शायद वो सादा साफ सफाई करने वाली आदत लग गई है। प्रतीक, तू एक काम कर, भाभी को ना किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखा दे। साइकाइट्रिस्ट? हाँ, मेरे लिए पागल थोड़ी है। अरे हाँ पागल नहीं है, लेकिन पागलपन की हद तक किसी चीज को साफ करना, देख ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। और डॉक्टर को दिखाएगा तो भाभी की ये आदत छूट सकती है, क्योंकि एक बार अगर ये आदत लत में बदल गई ना तो तुम्हारे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बॉस ने कहा है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करके मॉर्निंग तक उन्हें सबमिट कर देना। ठीक है, आप बॉस को बोल दो कि आज रात तक मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा और कल सुबह आते के साथ सबमिट कर दूंगा। चल यार, मेरी भी बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग पड़ी है, तो करता हूँ 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद आया हूँ। ध्यान रख। प्रतीक जी, ये आपका लैपटॉप और फोन कितना गंदा लग रहा है, और आपने उन्हें ऐसे ही बिस्तर पर रख दिया। रूपी, लैपटॉप और मोबाइल ना हमेशा मेरे पास होता है। लैपटॉप इस बैग में और मोबाइल मेरे पॉकेट में। अरे प्रतीक जी आप भी ना, छोड़िए। अरे छोड़िए। अरे अरे गोपी मेरा लैपटॉप। अरे गंदा लैपटॉप ये सब, और बोल रहे हैं साफ है साफ है। अब हम बताएं कैसे साफ होता है। ये गया। अरे 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 क्या कर रही गोपी? धूल जमी पड़ी थी पूरी प्रतीक जी। अरे लैपटॉप तो मेरा। काम कर, अभी को ना किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखा दे। पागलपन की हद तक किसी चीज को साफ करना, देख ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। गोपी हमको माफ कर दो, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। प्लीज माफ। क्यों हमें हमको मारने के लिए ब्याह कर लाए क्या? ये अपनी अम्मा जी की डांट खिलाने के लिए। सारा दिन हम घर में सबकी देखभाल करते हैं, साफ सफाई करते हैं। जानते हैं हम कहाँ कह रहे हैं कुछ, फिर भी अम्मा जी और आप हमसे कभी खुश नहीं रहते। तो क्या करें प्रतीक जी, अपनी जान दे दे, मर जाएंगे क्या? तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन में हम आपको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे। साइकियाट्रिस्ट क्या है? मतलब मानव चिकित्सक, दिमाग का डॉक्टर। क्या मतलब है आपका? पागल दिखाई देते हैं क्या? अरे देखिए प्रतीक जी, हम ना जैसे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। हमें नहीं जाना, हम बता दिए है आपको। गोपी चाची, ऐसी बहू के साथ आप कितने दिन जियोगी? एक दिन गुस्से में आकर आपको मार देगी, देख लेना। बहुत नॉनसेंस। लैपटॉप खराब हो गया, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मुझे मेरा प्रोजेक्ट चाहिए प्रतीक, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज शाम को कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट के साथ, और तुम्हारी इस स्टुपिडिटी की वजह से मैं वो मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता। इडियट। गोपी की वजह से देख, तो आज शाम को एक बार भाभी को डॉक्टर से दिखा ले, वरना ये ऐसे तो तेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी यार। नहीं मान रही है वो डॉक्टर के पास जाने के लिए। आज ही बात किया था, सर पे चढ़ गई मेरे। अच्छा चल ठीक है, अगर तुझे अगर सही लगे तो मैं भाभी से बात करूं? बात कर सकते हैं। हाँ हम कोशिश कर सकते हैं। मेरा तो सुनती नहीं है, तो पहले तेरी फाइल्स रिवाइव कर लेते हैं, उसके बाद फिर शाम को तेरे घर चलते हैं डिनर पे। गोपी को फोन करके बोल देता हूँ केतन आ रहा है। हाँ। अरे गोपी, अरे तू बाहर से पहले ना सूखे कपड़े उतार ला। वो क्या है कि आज रेणु नहीं आई ना। ठीक है अम्मा जी, अभी ले आते हैं। और अम्मा जी, प्रतीक जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उनके कोई दोस्त केतन आ रहे हैं खाने पर। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या पकाएं, अब आप ही बताइए। अरे बहू जो बनाना है बना ले, वैसे भी इस घर में अब 13 ही रात चलता है। और हाँ सुन, लेकिन पहले सूखे कपड़े उतार ला। ले आते हैं अम्मा जी। अरे बाप रे, ये कपड़ों में आग कैसे लग गई? अम्मा जी को क्या जवाब दें? अम्मा जी, अम्मा जी जल्दी आइए, आग लग गई कपड़ों में। अरे गोपी, ये क्या हुआ? अरे कपड़े अगर गंदे थे तो दोबारा धुल जाते, यूं कपड़ों में आग लगाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्यों दुश्मनी निकाल रही हो तुम उससे? अरे अम्मा जी, हम क्यों कपड़ों में आग लगाएंगे और हम क्यों आपसे दुश्मनी निकालेंगे? कपड़ों को बचाने के चक्कर में तो हमारे हाथ जल गए। देखिए वैसी भरनी। अच्छा है, अब देखती हूँ प्रतीक के दोस्त को क्या बनाकर खिलाती है तू। अब तो बेइज्जती तय है। प्रतीक भी देख लेगा कितनी काबिल है उसकी बीवी। भाभी जी, खाना आपने बहुत टेस्टी बनाया। थैंक यू सो मच। नितिन, ये दिया वो घर के मेंबर जैसी भाभी नहीं तेरी। तो फिर भाभी तो गोपी की तबीयत थोड़ी खराब है, आ रही होगी। नमस्ते केतन भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। ये हाथ पे क्या हो गया? कुछ नहीं, बस जल गए थे थोड़ा। अरे बेटा, सारी अनहोनी इसी के साथ होती है। अब देखो ना, मेरी निधि ने कैसे झटझट सारा खाना बना दिया। अगर गोपी बनाती तो 4 घंटे लग जाते पूरे। निधि, तू तो कुछ दिन यहीं रुक जा। जी चाची, जैसा आप कहें। आपकी बात भी भला मैंने टाली है क्या कभी? आखिर ये घर भी तो मेरे घर जैसा ही है। निधि, तमीज नहीं तुम्हें खाना परोसने की? क्या किया ये सब? पूरी साफ सुथरी टेबल से सब गंदा कर दिया। तुम्हें तमीज से बात करने की? हाँ, हर टाइम तुम्हारा दिमाग सातवें आसमान पर क्यों रहता है? अम्मा जी शांत रहिए आप। गलत को गलत कहना गलती नहीं होती अम्मा जी। जाहिल गवार औरत, जब से घर में आई है कान पे कान किए जा रही है। आप चिल्लाएं, आपका अपमान करें। सच बोलना अपमान करना नहीं होता प्रतीक। तुम्हें भी तो तमीज नहीं है कि सबके सामने अपनी बीवी से बात कैसे करते हैं। और सुनो, जाहिल गवार ना हम नहीं है। जाहिल गवार वो लोग होते हैं जो गंदगी फैलाते हैं और गंदगी में रहना पसंद करते हैं। हिम्मत कैसे हुई? बार बार माफ नहीं करेंगे। सच कहती है माँ, लायक नहीं उस घर के। गलती कर दी मैंने तुमसे शादी करके। बहुत दूंगा मैं तुम्हें। प्रतीक सुन, सुन प्रतीक, प्रतीक इतना जल्दी क्यों लाल पीला हो जाता है? थोड़ा शांत हो जाओ और सुन मेरी बात। देख, मैंने तुझे बताया है ना क्या दिक्कत है भाभी जी को। एक बार किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखा दे। और भाभी जी प्लीज एक बार साइकाइट्रिस्ट से मिल लीजिए। मजा आ रहा है खेल का। यही सब तो चाहिए था मुझे। अब तो बुढ़िया और प्रतीक ने भी मुझे यहीं रुकने को कह दिया। अब और कारनामे होंगे। ये जो आपके साथ हो रहा है ये उस हर इंसान के साथ होता है जिसे ये प्रॉब्लम होती है। पर डॉक्टर साहब हमको तो नहीं लगता कि हमारे अंदर ऐसी कोई समस्या है। यही तो होता है, जिस इंसान को ये प्रॉब्लम होती है उसे पता ही नहीं होता है, उसे अपनी सारी आदतें कंप्लीटली जायज लगती हैं। देखिए मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, लेकिन हाँ आपको इन मेडिसिन से ज्यादा खुद के ऊपर भरोसा रखना है। गोपी जी आप प्लीज वेटिंग हॉल में वेट कीजिए, मुझे प्रतीक जी से कुछ बात करनी है। जी हम बाहर जाकर गाड़ी में आपका इंतजार करते हैं। तो देखा ना आपने कि वो किस तरीके से बार बार कीज को सैनिटाइज कर रही थी। ये हमारे लिए बहुत अजीब है लेकिन उनके लिए नॉर्मल है। और एक और बात, आपको उनके ऊपर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। रेनू वो कोने में देखो कितना गंदा पड़ा है, साफ करो उसे, दोबारा से पोछा मारो। मैम साहब आपके कहने पर वहाँ पर 3 बार पोछा मार चुकी हूँ, अब और कितनी बार मारूं? रेनू सवाल कम किया करो, हाथ ज्यादा चलाओ, करो दोबारा से साफ। इतना गंदा है सब। अरे रेनू तेरी सफाई हुई नहीं क्या अब तक? घर में और भी काम पड़े हैं। बाबू जी छोड़े तो अपना और काम करूं। अगर ऐसे ही काम करना पड़ेगा ना तो मैं ये नौकरी ही छोड़ दूंगी। तेरा जो चीज है वो कर। ऐसा है ना रेनू, इस घर में जो हम चाहेंगे वही होगा, ये बात समझ लो। और चलो हमारे साथ किचन में बहुत काम पड़ा है, हो गया यहाँ का जो होना था। आओ छोड़ो और जल्दी जल्दी आओ। अभी नहीं हुआ यहाँ साफ, अब फिर होगा तब मजा आएगा। अभी अभी हम यहाँ से पोछा लगवा कर गए हैं, फिर से गंदा हो गया। आज तुमको सुनाकर ही दम लेंगे। अम्मा जी क्या दुश्मनी है आपकी हमसे? अरे क्यों परेशान करती रहती हैं आप हमें? आपको पता है ना गंदगी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और कभी कभी तो मन करता है अम्मा जी जो गंदगी फैलाता है ना हम उसको खून कर दें। गंदगी देखकर ना हमारा दिमाग फट जाता है। आपको कुछ समझ ही नहीं आता। अरे क्या किया है मैंने? पूरा हाल गंदा कर दिया आपने और कह रही है क्या किया हमने। अरे हॉल मैंने गंदा नहीं किया, बल्कि मैं तो उल्टा तुमसे डर के आकर रूम में बैठ गई। आपने गंदा नहीं किया तो भूत आकर गंदा कर गया क्या? अम्मा जी हम ना सब जानते हैं आपको हमें परेशान करके मजा आता है, बस और कुछ नहीं है। देखो बहू तुम्हें ना कुछ बहम हो गया है। उल्टा डॉक्टर को दिखाने के बाद भी तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सास बहू का झगड़ा और निधि का फायदा। अब मैं किसी भी हाल में प्रतीक को पाकर ही रहूंगी, अब चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब भी हम अपनी किसी आदत से बेइंतहा जुड़ जाते हैं तो हमारे विरोधी हमारी उस आदत का गलत फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। गोपी के साथ भी ऐसा ही कुछ शुरू हो गया था। निधि जिसे गोपी फूटी आंख नहीं सुहाती थी, उसने गोपी की गलत आदत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो ये चाहती थी कि गोपी गुस्से में आकर अपनी सास को अपने पति को कुछ अनाप शनाप बोले जिससे ससुराल में हाहाकार मच जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए उनसे अलग हो जाए, ताकि इस घर की बहू बनने का उसका सपना साकार हो जाए। अब देखना यह है कि क्या निधि अपने गलत मंसूबों में कामयाब हो पाएगी या फिर आगे चलकर उसका भेद खुल जाएगा। डॉगी, 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 डॉगी। स्टेशन। क्यों मारना चाहता है इनको? किसी ने सुपारी दी थी साहब। किसने दी थी सुपारी? चाची, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत जल्दी आपके घर की बहू बनने वाली हूँ। बहू आप बाद में बनिएगा। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब नहीं, मैं बताता हूँ। यदि मुझे पहले से पता है कि तुम गोपी से नफरत करती हो, मां, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप गोपी को मारने की सुपारी दोगी। साधना जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस गुंडे को आपने सुपारी दी थी गोपी को मारने के लिए, उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। तुम ये नहीं पूछोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने गोपी को मारने की सुपारी दी। मैं इसकी रोज रोज की सफाई से परेशान आ गई थी। इसने मुझे बोला मैं गुस्से में किसी का खून भी कर सकती हूँ। मैं डर गई थी, मुझे लगा कहीं ऐसा ना कर दे, तो उससे पहले मैंने गोपी को मारने की सुपारी दे दी। तो यार, हमारी सफाई की बीमारी ने मेरी माँ को मुजरिम बना दिया। एक सेकंड भी नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ। हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। आखिरकार गोपी की सफाई की लत ने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया, और गोपी ने खुद अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। प्रतीक ने उसे डिवोर्स दे दिया। हद से ज्यादा कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ गोपी की सास ने धैर्य का इस्तेमाल नहीं किया, और उसने कई बार गोपी को जान से मारने की नाकाम कोशिश की, और अंजाम क्या हुआ? आज साधना जेल की सलाखों के पीछे है। दर्शकों, हम जब भी कोई योजना बनाते हैं तो उस योजना की सफलता और विफलता हमारी नीयत पर निर्भर करती है। निधि ने प्रतीक से शादी करने की योजना तो बनाई थी, लेकिन उसकी नीयत में खोट था, इसीलिए उसकी योजना विफल हो गई। गोपी और प्रतीक के डिवोर्स के बाद निधि ने प्रतीक पर दबाव डाला कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन प्रतीक ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि प्रतीक ये जान चुका था कि साधना को गोपी के खिलाफ भड़काने वाली कोई और नहीं, वो निधि ही है। इसी के साथ आज के इस अध्याय में मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक और नई सत्य घटना के साथ, क्योंकि अब डरना नहीं है, मिटाना है।